वेलकम स्टूडेंट्स। ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम बात करी थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी प्राइस को अनदर करेंसी के रेस्पेक्ट में एक्सचेंज करना, या फिर कंट्री की करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी के साथ उसकी प्राइस में एक्सचेंज करना, एक रेट में एक्सचेंज करना कहा गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? एक रेट है जिसमें हम जिस रेट में हम अपनी करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं, या फिर अपनी करेंसी को डॉलर्स के रेस्पेक्ट में एक्सचेंज कराता है, तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफाइन करता है एज द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रेस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या ये भी माना जाता है कि एक रेट है जिसमें हम अनदर के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो रेट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट गेट करता है और इसको फॉरेक्स रेट भी कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जो भी प्राइस होती है किसी भी कंट्री के करेंसी की, उसकी करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कराना प्लस उसमें रेट ऐड करा जाता है। जो रेट होता है एक्सचेंज कराने का, जो रेट होता है कन्वर्ट कराने का, जो रेट होता है वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो एक रेट होता है जिसके अंदर हम किसी भी करेंसी को अनदर करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज रेट दो तरीके के होते हैं यहाँ पे करेंसी के, एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट होती है और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है। यहाँ दो तरीके की एक्सचेंज रेट है। फिक्स एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है जिस कंट्री से एक्सचेंज करा रहा है ऑफ द कंट्री, और फ्लोटिंग रेट मार्केट की डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट होती है। तो मार्केट की जो डायनामिक्स अफेक्ट होती है वो फ्लोटिंग रेट होता है। तो बेसिकली दो रेट यहाँ पे, दो टाइप एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड जो सेंट्रल बैंक डिफाइन करती है कंट्री की, और फ्लोटिंग यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट में चेंजेस से डिफाइन होती है। तो इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बात करी ओनली एक्सचेंज रेट के बारे में। एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज रेट जिसमें वन करेंसी आर कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी, जिस रेट में करी जाती है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स में डिफाइन है। फर्स्ट फिक्स एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्ट होता है। डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की, उससे यहाँ पे ये फ्लोटिंग रेट चार्ज होता है। थैंक यू।